छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के जल्दी अपने विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा करने के ऐलान करने के साथ ही राजनीति और तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों से आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में अब दावेदारी के लिए आवेदन करने वाले लोगों का प्रदेश मुख्यालय में लाइन लगना शुरू हो गया है। ये लाइन दावेदारी के फॉर्म के लिए नहीं बल्कि नोटिस में साइन कराने के लिए है। कांग्रेस ने इस बार दावेदारी वाले आवेदन फॉर्म में नोटिस का एक कॉलम दिया जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर कराना अनिवार्य है। ऐसे में प्रदेश भर के विधानसभा चुनाव के दावेदार कांग्रेस मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। दूर दराज से आने वाले दावेदारों के लिए कांग्रेस ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रखी है जिससे आवेदन करने वाले खासे परेशान हो रहे हैं। इसमें ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था का तो नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक दूर दराज के लोग आ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए वहाँ पर शीघ्रता से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और नो ड्यूज एक बहुत ही अच्छे के इस बार रखा गया है कि जो भी आवेदन करना चाहता है अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसको नो ड्यूज यहाँ से लेना चाहिए और उससे पता चल सके कि उसके पास किसी प्रकार का कोई देनदारी वगैरह लेनदारी वगैरह तो नहीं रह गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का या जिला का। तो इस प्रकार से सारे जितने भी आवेदक हैं उनको आना ही पड़ेगा वो तो, और नो ड्यूज यहां से करा के जाना पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया गया। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।